वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूपी में बनने वाली एक करी की रेसिपी बताऊंगी और इसे हमारे यहाँ मसाला अंडा सब्जी भी कहते हैं। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे मटर लिया हुआ है, ये फ्रोजन मटर है। और मैंने यहाँ पे अंडे लिए हैं जिन्हें बॉयल कर लिया है। प्याज और लहसुन का पेस्ट लिया है। मैंने जीरा लिया हुआ है यहाँ पर। चार काली मिर्च ली है, चार लौंग लिया है और ये जावित्री का इतना बड़ा एक टुकड़ा लिया है। तेज पत्ता लिया हुआ है। इसके लिए मुझे चाहिए सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किचन किंग मसाला लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने मीट मसाला और दो तीन चुटकी काली मिर्च पाउडर लिया है और लाल मिर्ची पाउडर और पानी। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले एक पैन में मस्टर्ड ऑयल गरम कर लेते हैं और जब तक हमारा ये तेल गरम हो रहा है तब तक मैं आपको आगे की प्रिपरेशन बताती हूँ। सबसे पहले हम इन जितने भी हमने एग्स बॉईल किए हैं इन्हें एक फोक की मदद से या टूथपिक की मदद से ऐसे ऐसे इनमें हम छेद कर लेंगे जिससे हमारे सारे मसाले अंदर तक चले जाएं। ये देखिए इस टाइप से। इसी तरह हम सारे अंडों को अच्छे से गोद लेंगे। सारे अंडे हम इसी तरीके से कर लेंगे और ये हमारे अच्छे से हो चुके हैं और अब तेल भी गर्म हो चुका है। अच्छे से गर्म हो चुका है, हम अपने अंडे डालकर इसमें एक एक करके फ्राई कर लेंगे। इसको हम पलटते रहेंगे इससे हमारे ये जले ना। आप चाहें तो बिना फ्राई करे भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे शैलो फ्राई किया, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अभी हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। तेल गरम है, इसी तेल में हम अपना तेज पत्ता और ये जावित्री इसको थोड़ा सा तोड़कर आप डाल लेंगे और ये जीरा, काली मिर्च और लौंग इसको डाल के अच्छे से भून लेंगे। अभी देखिए हमारा भून चुका है, वह इसमें अपना हम प्याज और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से भून लेंगे, इसको चलाते रहें जिससे जले ना। हमारा देखिए प्याज बिल्कुल अच्छे से भून गया, हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम ये लाल मिर्ची ऐड करेंगे। इसी के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और ये फिर गर्म मसाला, हमारा ये किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जो मैंने ये काली मिर्च पाउडर और अपना मीट मसाला लिया था ये भी ऐड कर देंगे और इसे भून लेंगे। थोड़ा हल्के भूने, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भून लें जिससे मसाले हमारे फूल के बढ़िया करके भून जाए। ज्यादा पानी नहीं, बस थोड़ा ही डालना है। हमारे मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है, हम इसी स्टेज पे अपना सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट वही अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है हमने, ज्यादा नहीं करना। और इसको मिक्स कर देंगे और इसमें हम अपना ये हरा मटर ऐड कर देंगे जिससे वो भी मसाले के साथ भूनता रहे। इसको चलाते रहेंगे लगातार। हमारे मसाले और मटर अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें अपने एग ऐड कर देंगे। एग ऐड करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और पानी हम उतना डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी रखनी है। अब इसको भी हम थोड़ी देर भून लेंगे पानी डालने से पहले। इसको अच्छे से भून लेंगे। मैंने गैस थोड़ा धीमा किया हुआ है जिससे जले ना। और आप ढक के भी भून सकते हैं जिससे मसाले इसके अंदर चला जाए, क्योंकि हमने छेद किया हुआ है तो आराम से अंदर तक पहुंच जाएंगे सारे फ्लेवर। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग रखिए जितना आपको ग्रेवी चाहिए। और ये थोड़ा सा पकने में भी पानी जलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी रखिएगा। और अब हम इसको बॉईल होने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर है और इसको आप बॉईल होने दीजिए। चाहे आप थोड़ा सा ढक्कन लगा के पका दीजिए, मैं ऐसे खोल के ही पकाऊंगी इसे और थोड़ी देर बाद धीमी आंच कर दूंगी गैस की। अब देखिए हमारी ये सब्जी बनके अच्छे से तैयार है और इसको सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें इस समय कटा हुआ टमाटर भी ऐड करके थोड़ी देर ढक के रख सकते हैं, बट हमारे यहाँ टमाटर नहीं खाया जाता तो मैं नहीं डालती, क्योंकि यूपी में ये इसी तरीके से बनती है तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी एग मसाला सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।